पार्टिकल ऑफ मास एम इज ड्रिवन बाई अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कॉन्स्टेंट पावर के वॉट्स. इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑन द रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी इज. यानी कि आपको दिया गया है रेस्ट से शुरू हो रहा है यानी एफ इज इक्वल टू जीरो. पावर की वैल्यू आपको के दी गई है और आपसे फोर्स पूछा गया है. ठीक है, अब जहां जहां P है वहां वहां आप K यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए पावर होता क्या है. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम. अच्छा यह है कि हमारे ऑप्शंस में भी टाइम T आ रहा है तो सही चल रहे हैं हम लोग. अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एस निकाल सकते हैं. टाइम रखने में तो हमें कोई दिक्कत है नहीं. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर रख सकते हो आप. इसको उठा के वहां पे रख दो तब आना चाहिए. चलो जगह नहीं है यहाँ पे. अब f मल्टीप्लाइड बाई हाफ ए टी स्क्वायर, यही प्योर एडजस्टमेंट बोलता हूं मैं इसको, कि केवल वैल्यू रखते जाइए जब तक आपका आंसर मिलता जुलता ना आ जाए. ठीक है, अब एक्सेलरेशन आपको प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपको कहीं दिया नहीं हुआ है. कोई दिक्कत नहीं है, f इज इक्वल टू एम ए तो हमेशा सही होगा. A इज इक्वल टू एफ बाई एम भी करते चलेंगे तो F इंटू वन बाई टू इंटू एफ बाई एम और एक T तो खत्म हो जाएगा तो एफ टी. अब आ गया क्या, F स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम के डिवाइडेड बाई टी. टू एम उधर चला गया, T नीचे उतर आया. F स्क्वायर ऐसा है तो f क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू एम के डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी. अब यह डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी को इन्होंने थोड़ा फैंसी तरीके से लिख दिया, इन्होंने लिख दिया t टू द पावर माइनस वन बाई टू. और सही किया इन्होंने क्योंकि मतलब टू कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, पावर k कांस्टेंट है, तो हमारा अब एक तरीके से फोर्स इज स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन वन बाई रूट टी. तो ये हम लोगों ने किया है यहां पर. तो हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी हो गया. प्राचीन काल में जब मैंने आईआईटी जेई दिया था तब इस तरह के बहुत सवाल आते थे, जब मेंस में हमने सब्जेक्टिव एग्जाम देना होता था तब.